तो आज हम ड्रमस्टिक की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ड्रमस्टिक को पानी के अंदर नमक डाल के बॉईल करने के लिए रख दिया है, जिसको हम 10 मिनट के लिए पकने देंगे। पहले मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, 3 हरी मिर्ची है और थोड़ा सा धनिया है। इसकी हम पेस्ट बना लेंगे, आप इसको कूट के भी बना सकते हो। तो ये देखो हमारी पेस्ट तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने पैन में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब उसके अंदर डालेंगे हम ये चने का फ्लोर, 2 चम्मच जितना चने का आटा डालेंगे और उसको अच्छे से थोड़ा सा सेक लेंगे। गैस की आंच को धीम ही रखना, क्योंकि चने का आटा होता है तो वो जल्दी से पक तो जाता है पर वो नीचे चिपक जाता है, तो इसके लिए फ्लेम को हम थोड़ा धीरे ही रखेंगे। तो धीमी आंच पर हम सेकेंगे जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी जो फलियां है वो अब पक चुकी है, मतलब बॉईल हो चुकी है। तो इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे और हमारे पर ये चने का आटा है वो भी अब पक चुका है, तो उसकी जगह पे हम दूसरा वाला पैन चढ़ा देंगे। यहाँ पर भी मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तब उसके अंदर हम थोड़े से मेथी के दाने, राई और हींग को डालेंगे। अब हम जो हमने मसाला पीस के रखा था वो उसको अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम पकने देंगे उसको 1-2 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर से स्मेल छूटने लगी है, यकीन मानो इतनी मस्त लगता है इसका स्मेल। अब उसके अंदर हम बेसिक मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर। अब इसके अंदर वो लाल मिर्च नहीं लगेगी, क्योंकि हमने हरी मिर्ची पेस्ट में डाल दी थी और ये ऐसे ही लगता है मस्त, और उसका कलर भी इतना सुंदर आता है। तो आप देखना कि कैसे सुंदर बनती है ये सब्जी। थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने बॉईल करने के अंदर भी हमने नमक डाला ही था, तो इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि नमक कितना पड़ेगा, वरना आप टेस्ट करके भी कर सकते हो। इसके अंदर हम अब चने का आटा ऐड करेंगे, जो हमने थोड़ा सा सेक लिया था। आप ये रेसिपी में बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना चक्कर खा जाएंगे कि कहां से कैसे क्या ऐड करना है। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब उसके अंदर हम जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था ड्रमस्टिक, उसके अंदर जो पानी था उसी को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ये ड्रमस्टिक बॉईल की हुई है वो उसके अंदर हम डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 5 मिनट के लिए ढक के उसको हम थोड़ा सा पकने देंगे, ताकि मसाले उसके अंदर उतर जाए और खाने में टेस्टी लगे। अयो, अब उसके हम उसके ऊपर हम डालेंगे प्यार से थोड़ा सा धनिया। तो तैयार है हमारी ड्रमस्टिक वाली सब्जी। तो खाना खा के बताना कि कैसी लगती है।